हाय गाइस, बस 2 मिनट दे दो, स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। हम आज ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्वेश्चन खुद बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट दिलवाता हूँ। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हेलो, हाँ, स्क्रीनशॉट अगर इसका बैलेंस शीट का ले लिया तो पॉइंट्स का ले लो। ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करूंगा बेटा, कोमल, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, चिंता मत करो। प्लीज़ जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा प्लीज़। बैलेंस शीट स्क्रीनशॉट, फिर ये एडिशनल पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड रुक जाइए। मुझे मोटा मोटी इस क्वेश्चन में आपके साथ ना पॉइंट्स पर बात करनी है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, तो मुझे इसके पॉइंट्स जो मैंने ये डाले हैं वो मुझे अच्छे लगे पॉइंट्स।
कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार? ठीक है तो आइए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने कौन सा होमवर्क दिया था आपको? मैंने क्या होमवर्क दिया था बेटा आपको? देखिए, मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक ही है कि कुछ कुछ अलग टाइप के पॉइंट्स इसमें हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े कम आते हैं क्वेश्चंस में, बस ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, 25 और 19 दिया था, 22 तो सिमिलर था जो हमने क्वेश्चन निपटाया, 25 दिया था, 25 बन गया आपसे। 19 की बातें बाद में करेंगे, 25 बन गया कि नहीं बताइए, 25 बना कि नहीं बना? कोमल, आंसर मैच नहीं हुआ। प्रतीक, 25 हो गया। रोहिणी, यस। मयंक, यस। एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा, मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करता जा रहा हूँ अभी सारे पॉइंट्स का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये वही वाली चीज़ें हो गई जो हमने लिया था। 40 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, आप 10 लाख को ऐड करोगे, डिस्काउंट को ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड करोगे, और गेन 40,000 को ऐड करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इसको लेस करोगे। अब उसके बाद की वाली चीज़ें हैं, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड 180 बाय द कंपनी, इसको आप ऐड करोगे, इनकम टैक्स पेड इसको लेस करोगे, करंट असेट करंट लाइबिलिटी इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक आपका बेटा इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, डेटर्स आपका बेटा इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, कैश इन हैंड छोड़ दो, रिसीवेबल आपके बेटा डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस होंगे, पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, गेन लेस होगा, मैंने गलती से ऐड कर दिया, गेन लेस होगा। उत्सव, मेरा भी आंसर मैच नहीं हुआ सर, गेन तो लेस होता है सर, गेन 40,000 लेस होगा, गेन सर, गेन लेस होगा सर। हाँ, मेरे से गलती, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में ऐड कर दिया था, माइनस होगा। ठीक है, सो ये सिंपल तो है बेटा, जो हमने क्वेश्चन अभी पार्ट वन में किया था, थोड़ी देर पहले हमने किया था ब्रेक लेने से पहले, उसके बाद उसके यही तो है। मतलब किसका आंसर मैच हुआ है? क्या रोहिणी ने कहा, प्रतीक ने कहा, हो गया, रिया जायसवाल, मयंक, हो गया। तो बेटा तुम लोगों का आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। अगर हम इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएं तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से, फोर्टी लाख। मैं बहुत ही शॉर्ट में चल रहा हूं, किसी का आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 10 लाख, 60,000, 7 लाख, आप ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन 10 लाख, डिस्काउंट 60,000,
इंटरेस्ट पेड 7 लाख, और क्या ऐड होगा? लेस होगा गेन ऑन सेल, लेस होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक बीस, आंसर मैच नहीं हुआ है क्या? अच्छा, उसके बाद और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लेते हैं। चलो मुझे बताओगे क्या प्लीज? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो ना बेटा। 24 का हो गया 26, 36, ये 236 स्टॉक। टू थर्टी सिक्स स्टॉक लेस करेंगे, ओनली ऑपरेटिंग ही करना था ना? हाँ, ओनली ऑपरेटिंग करना था। सही बात है, जब आपको ओनली ऑपरेटिंग करना है तो आपका मैच होगा ही नहीं, आपका मैच होगा ही नहीं। ओनली ऑपरेटिंग ही करना था तो आपका मैच कैसे होगा? सही बात है, आपका फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको करना ही नहीं है तो आपका मैच होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, डेटर्स 416 में से 426 200 गया, 10 200 लेस करेंगे। फाइनल तक गाओ जाओगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए कोई डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लैंड इन्वेस्टमेंट्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। क्या कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, जाना ही नहीं है। उन्होंने क्या क्या लिखा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है। बिल रिसीवेबल 20,000, ऐड करेंगे। बिल पेबल 10,000 लेस करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स 3,32 में से 3,42, 600, 10,600 लेस करेंगे। क्रेडिटर सॉरी ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 13,600 ऐड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? फिर उसके बाद ऐड करेंगे कॉम्पनसेशन, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। कॉम्पनसेशन 180, इनकम टैक्स पेड 210, 210। बस बेटा यहाँ जवाब दीजिए मुझे, कितना आया नेट कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? थर्टी फोर लैख 68,000। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा। फिफ्टी थ्री फिफ्टी एट दीपक गोयल, कुछ अलग आंसर है क्या? 40 प्लस 10 सात, 60 माइनस 1 60 प्लस 200, 10,000, 36, 10,600, 20,000, 13,600, 180 माइनस 210, 53,58। सही बात है, ये आ रहा है 53,58।
53 58। मैंने एक्चुअली टोटल नहीं किया, मुझे लगा नालायक मुझे बता देंगे सब लोग टोटल। तुम लोग क्या मस्ती मजाक में आए हो क्या क्लास पर अभी पढ़ने? हाँ मस्ती मजाक में पढ़ने आए हो तुम लोग नालायकों। चलो अब जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिया था, अगर स्क्रीनशॉट नहीं है वापस से ले लो। एक तो ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देखो मैं तुम्हारे साथ ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसी बातें जो पूछी गई तो उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ऐसी बातें जो पूछी गई तो ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो, एक तो, और दूसरा फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ये दोनों पेजेस। चलो शेयर कर दिया, अभी ध्यान से देखो। पहले तो हमें बैलेंस शीट में देख रहे हैं क्या क्या है। भाई साहब थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूरी है, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को करेक्ट कर लेता हूँ। ये 15 लाख है, इसमें कुछ चीज़ों को करेक्ट कर देता हूँ। डिडक्टिंग डेबिटेड टू प्लांटर मशीनरी, डेबिटेड टू प्लांटर मशीनरी। ठीक है, यार तुम लोग क्यों उलझा रहे हो? किसका आंसर? अच्छा ये 21 लाख है, मैंने 2 10 ले लिया था। इनकम टैक्स पेड 21 लाख है। यार ये 21 लाख मुझे गजब लग रहा है थोड़ा सा, 2 10 होना चाहिए।
पर अगर अपन 21 लाख ही माने, अगर अपन 21 लाख माने अरे मैंने 2 10 लिया था, मैंने 2 10 लिया था ये सोच के कि वो 2 10 होगा, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो 21 लाख दिख रहा है, फिर तो आंसर ज़रूर बदलेगा। क्या है, जब तक ठीक आंसर नहीं आएगा ना तुम्हें सुख चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, रात रात की नींद अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। चलो तो अब ध्यान से देखो, अपन ना अभी सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इक्विटी कैपिटल 12 लाख से 15 लाख हो गया बेटा, मुझे संभावनाएं बताइए क्या क्या हुआ होगा। चलो मुझे एक एक करके संभावनाएं बताओ। अब तुम लोगों को बात करनी है मुझसे, तुम लोगों को मुझसे बात करनी है, संभावनाएं बताओ क्या क्या हो सकता है। 12 लाख से 15 लाख हो गया, टेल मी क्या हुआ होगा। इक्विटी कैपिटल 12 लाख से 15 लाख हो, 15 लाख मतलब सॉरी, प्रीवियस ईयर में 15 लाख था, अभी करंट ईयर में 12 लाख हो गया। बोलो बेटा, प्रीवियस ईयर में 15 लाख था, प्रीवियस ईयर में 15 लाख था, करंट ईयर में 12 लाख हो गया, क्या हुआ होगा, संभावनाएं बताओ। 15 लाख था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 12 लाख हो गया। कोई नालायक नहीं बोलने वाला, कोई नालायक नहीं बोलने वाला, अपना मुंह नहीं खोलेगा, बस आएंगे करेंगे जाएंगे। बायबैक, एक संभावना समझ में आ रही है कि हमने इक्विटी शेयर का बायबैक किया होगा, मोटा मोटी लग रहा है कि 3 लाख रुपए का बायबैक हुआ होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझ में आएगा कि हमें तो ऐसा दिख रहा है कि बायबैक, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बायबैक भी हो, पब्लिक इशू भी हो, फिर पूरा हमें अकाउंट बनाना पड़े। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात की नहीं, है ना, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो मेरी बात को कि नहीं। जो बच्चे इस क्वेश्चन के अलावा मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों को यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, और मैं उन लोगों को यहाँ पर बैन कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो बात कर रहे हैं उस पे बात करो, क्वेश्चन पे बात करो, ठीक है ना, मुद्दे पे आओ। कोई एक बच्चा है जो फालतू कमेंट कर रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ है तेरी रिक्वेस्ट है वो बाद में कर, अभी अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, अपने आप को, तेरा कॉन्सेंट्रेशन अगर भंग हो रहा है तो हमारा बाकी का भंग मत कर। चलो बोलो, तो पॉइंट ये है, ऐसा लग रहा है कि 15 से 12 हो गया, 15 से 12 हो गया, इसका मतलब क्या, बायबैक। बट अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ कि कुछ पब्लिक इशू भी किया है, तो आप ये बोलोगे अरे यार पब्लिक इशू किया है जबकि ये तो रिड्यूस हुआ है, तो आप बाकायदा इसका क्या बनाओगे, अकाउंट बनाओगे, आप बाकायदा क्या बनाओगे, अकाउंट बनाओगे। तो मैं आपका ना दिमाग सिर्फ डेवलप करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देख के लग रहा है पब्लिक बायबैक हुआ होगा, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, क्योंकि ये सवाल मैंने करवाया था अपने रेगुलर बैच में, तो मुझे नहीं पता, मैं अभी ये सवाल पढ़ के नहीं आया हूँ, बस माइंड मन में आया तो मैंने सोचा करवा दूँ। तो पॉइंट ये है कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, कब, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हो कि सर बायबैक के अलावा पब्लिक इशू हुआ है, लिख दिया उन्होंने पब्लिक इशू हुआ है, तो आप इसका अकाउंट बनाओगे जिसमें आप बोलोगे भाई पब्लिक इशू हुआ है तो बायबैक भी तो हुआ होगा क्योंकि रिड्यूस हुआ है, तो आप अकाउंट बना के आप थोड़ा सा डिटेलिंग करोगे इसकी। समझ में बात आ रही कि नहीं। अब देखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 30,000 से 120 हो गया, कैपिटल रिजर्व बड़ा है। कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट, एक तरीके का गेन, कैपिटल नेचर का गेन, मतलब कुछ ना कुछ बिका होगा, कुछ ना कुछ सेल हुआ होगा, तभी हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम अपना सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं आपके ना माइंड में ना एक डेवलपमेंट्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये भर रहा हूँ कि यार आपके दिमाग में सोच क्या क्या डेवलप होनी चाहिए जब क्वेश्चन आएगा। तो कैपिटल रिजर्व मतलब गेन, गेन 30 से 120 हो गया, गेन बढ़ गया, गेन क्यों हुआ होगा, कुछ ना कुछ सेल किया होगा, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। जनरल रिजर्व 150 से 240, इसका बढ़ना तो नॉर्मल है, जब जब हम हमेशा हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मैंने कैश फ्लो के पिछले मैंने लेक्चर में कहा भी था कि रिटेन्ड अर्निंग से शुरुआत करने के लिए आपको जनरल रिजर्व की जरूरत पड़ती है, पी एंड एल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, तो जनरल रिजर्व की जरूरत हम रिटेन्ड अर्निंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रीवैल्यूएशन रिजर्व, बेटा ये देखो क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, मैं इसको और ठीक कर देता हूँ, मैं इसको और ठीक कर देता हूँ, ये जो है ये आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व होना चाहिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख रुपए का रीवैल्यूएशन।
बेटा एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा समझाओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व कब आता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व बेटा कब आता है, जल्दी बताओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व कब आता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व कब आता है बेटा, बोलो? रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है जब आप AS 10 में असेट को रीवैल्यू करते हो, और रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका नॉन कैश होता है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व जाता है डायरेक्टली रीवैल्यूएशन रिजर्व में, मतलब इसका पीएनएल से कोई भी नाता नहीं है, इसका पीएनएल से कोई भी नाता नहीं है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि पीएनएल से कोई नाता नहीं है, क्योंकि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग से शुरू करेंगे, तो हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड पेबल के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दो केसेस बताए थे। पहला केस, डिविडेंड पेबल जैसा लिखा है वैसा लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं होगा, मान लो दिया हुआ, तो हम बोलेंगे कि 3 लाख प्रीवियस ईयर था, तो 3 लाख करंट ईयर में पे किया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 4 लाख करंट ईयर में प्रोवाइड फॉर किया होगा पीएनएल में, तो हम उसको एड बैक करेंगे अगर रिटेन्ड अर्निंग से शुरू किया है तो। और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड पेबल के बारे में कुछ दिया होगा कि डिविडेंड पे किया इतना वगैरह वगैरह, तो उसका अकाउंट बना लेंगे। डिविडेंड के बारे में समझ में आई बात कि नहीं? डिविडेंड के बारे में बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो? डिविडेंड के बारे में बात समझ में आई कि नहीं? फिर डिबेंचर की बात कर लेते हैं। 15%, 15% से ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट रेट 15% होगा, तो इंटरेस्ट भी इससे निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा डिबेंचर अगर आप देख सकते हो, तो 7.5 लाख के डिबेंचर प्रीवियस ईयर में थे, एंड करंट ईयर में इट बिकेम 9 लाख, तो 750 से 9 हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिबेंचर इशू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि डिबेंचर इशू हुआ है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट डिबेंचर इशू तो हुआ है, बट अगर ये कैश में इशू हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर ये कैश में इशू नहीं हुआ है, अगर ये इशू हुआ है अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी मशीन, अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी असेट, तो वो नॉन कैश आइटम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कैश आइटम हो जाएगा, राइट? चलो, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, बेटा ये तो आपका वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, मुझे देख के बताओ। अदर करंट लाइबिलिटी आपका 2 लाख से 3 लाख हो गया, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है ओपनिंग से क्लोजिंग, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओपनिंग ओपनिंग दो दो से तीन हो गया, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है। करंट लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या करते हैं? ऐड करेंगे, लेस करेंगे। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, टेल मी, ऐड करेंगे, वेरी गुड। फिर पी एंड एल अकाउंट, आप जानते हो पी एंड एल अकाउंट को और जनरल रिजर्व को हम मिलाकर रिटेन्ड अर्निंग निकालेंगे। फिर लैंड की बात करें बेटा, लैंड की अगर बात करें तो 4.5 लाख का प्रीवियस ईयर में था, जबकि करंट ईयर में 370 हो गया। यार लैंड रिड्यूस हो रहा है, लैंड रिड्यूस हो रहा है, मतलब लैंड हो सकता है बेचा हो सकता है लैंड बेचा हो, या लैंड में यह भी हो सकता है कि बेचा भी हो खरीदा भी हो, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिलहाल मोटे मोटी लग रहा है कि बेचा होगा, ठीक है ना? ठीक है ना, मोटा मोटी लग रहा है कि लैंड हमने बेचा होगा, बेचा होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड करेंगे। बट अगर मान लो इसके अलावा और भी कुछ हुआ, परचेज भी किया होगा, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी एट WDV है, एट WDV मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद की वैल्यूज हैं, 10, 50 और 12। प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, खरीदा गया होगा प्लांट एंड मशीनरी, खरीदा गया होगा प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज हो रहा है। फिर भी प्लांट एंड मशीनरी का अगर रहा, तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट की बात कर लेते हैं बेटा, पेटेंट आपका 1 लाख से 80,000 हो गया, तो 20,000 का क्या हुआ होगा? चलो मुझे पेटेंट को लेकर बताओ, 20,000 का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं पेटेंट को लेकर, क्या क्या संभावनाएं हैं 20,000 में, टेल मी। पेटेंट को लेकर 20,000 की संभावनाएं क्या क्या है? 1 लाख से 80,000 हो गया, क्या क्या संभावनाएं हैं पेटेंट की, टेल मी, क्या क्या संभावनाएं हैं पेटेंट की? कोई जवाब नहीं दे रहा। एक संभावना बनती होगी कि हमने पेटेंट बेचा होगा, सेल किया होगा, एक संभावना बनती है कि पेटेंट सेल किया होगा। दूसरी संभावना पता है क्या बनती है? पेटेंट को राइट ऑफ किया होगा, अमोर्टाइज किया होगा। दो संभावनाएं बन रही है, और दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। बोलो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है?
पहला, अगर सेल किया होगा, पेटेंट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड होगा। पर अगर दूसरी संभावना, पेटेंट अगर राइट ऑफ किया हो, अब अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, टेंशन मत करो। अगर पेटेंट राइट ऑफ किया होगा तो राइट ऑफ किया होगा तो ये नॉन कैश आइटम है, पर वो पीएनएल में चला गया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं या जहाँ जहाँ से भी शुरू करते हैं हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, दैट्स इट, वो नॉन कैश आइटम है। समझा कि नहीं? तो ये संभावना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो आप मुझे बता ही सकते हो बेटा, इन्वेंट्री 6 लाख से 850 हो गया, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, क्या करंट असेट बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, करंट असेट बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। हाँ ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, बेटा ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ठीक है, एडवांस टू सप्लायर दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। सो कुल मिला के ये सारी बातें दी हुई हैं। अब अपन एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले बोल रहा है लैंड सोल्ड बट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ, लैंड को बेचा बट पीएनएल में प्रॉफिट नहीं डाला, कैपिटल रिजर्व में डाला, तो लैंड को बेचने पर जो भी गेन हुआ होगा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका जो भी प्रॉफिट निकलेगा, हम लैंड का अकाउंट बनाएंगे, टेंशन मत लो, हम लैंड का अकाउंट बनाएंगे, टेंशन मत लो, पर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में गया होगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड को लेस करेंगे कि नहीं? गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड को लेस करेंगे कि नहीं? गेन को, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए मैं पूछ रहा हूं। ये कैपिटल रिजर्व के अंदर गया है, कैपिटल रिजर्व मतलब पीएनएल नहीं, कैपिटल रिजर्व मतलब पीएनएल नहीं, तो क्या होना चाहिए? हम क्योंकि पीएनएल से कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल रिजर्व को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, तो इसका मतलब इस गेन को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस नहीं करेंगे, इस गेन को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली हम कई सारे अकाउंट बनाने वाले हैं अभी। दूसरा, डिबेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने एंड ऑफ द ईयर में कुछ डिबेंचर को इशू किया 4 लाख रुपए। अब जब एंड ऑफ द ईयर में इशू किया तो इस पे इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, इस पे इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, तो हमने डिबेंचर इशू किया 4 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर, डिबेंचर 7.5 लाख से 9 लाख हो गया, 7.5 से 9 लाख हो गया। अरे 7.5 से 9 हो गया, जबकि वो बोल रहा है कि इशू किया 4 लाख, इसका मतलब कुछ रिडीम भी किया होगा, इसका मतलब कुछ रिडीम भी किया होगा, ठीक है, कुछ रिडीम भी किया होगा। तो डिबेंचर इशू किया एट द एंड ऑफ द ईयर 4 लाख, तो ये तो श्योर शॉट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर इसके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है, मतलब इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सम डिबेंचर्स कन्वर्टेड इंटू इक्विटी एट द एंड ऑफ द, ओ भाई साहब, सम डिबेंचर्स कन्वर्टेड इंटू इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर, सम डिबेंचर्स हैज कन्वर्टेड इंटू इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे? वर्किंग नोट नंबर वन, कौन सा अकाउंट बनाओगे? सबसे पहले तुम बनाओगे डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना? और डिबेंचर अकाउंट के अंदर बाय ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7.5 टू क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9 लाख टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9 लाख, ठीक है। अब डिबेंचर कुछ इशू किए बाय बैंक एट एंड में 4 लाख, ठीक है ना? तो इसका मतलब, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो, 7.5, 4 माइनस 9, तो 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हुए होंगे। ओ भाई, 2.5 लाख के डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हुए होंगे, मतलब इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। अब इससे हमें समझ में आता है कि साला इक्विटी का भी देखना पड़ेगा एक बार, इक्विटी में कन्वर्ट हुए हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 2.5 लाख के डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब इक्विटी कैपिटल बढ़ा है। अगर इक्विटी कैपिटल बढ़ा है तो इक्विटी कैपिटल को वापस से देखो यार, 15 लाख था, 15 से 12 हो गया, ये तो गिरा हुआ दिख रहा है। गिरे होने के अलावा वो बड़ा भी है 2.5 लाख से, मतलब इक्विटी के अंदर भी इशू भी है, बायबैक भी है, इशू भी है, बायबैक भी है, इशू भी है, बायबैक भी है। कितना 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 इक्विटी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा?
इक्विटी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर सम पोर्शन ऑफ इक्विटी वॉज बॉट बैक, कुछ इक्विटी पोर्शन बॉट बैक किया, इक्विटी के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है तो आप इक्विटी का अकाउंट बना लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना लो। चलो बाय ओपनिंग बैलेंस 15 और 12, ओपनिंग बैलेंस 15 लाख, टू क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख, टू क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख, टू क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन यहां जाएगा 2.5 लाख। अब आप चेक करो, 15 प्लस 2.5 माइनस 12, ओहो 5.5 लाख टू बैंक, मतलब ये बायबैक हुआ है, बायबैक हुआ है। बेटा बताओ बायबैक कहाँ जाएगा, बायबैक कहाँ जाएगा बताओ, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी बायबैक? बेटा जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर का मैं आपका बताना भूल गया, ये बैंक, ये कौन सी एक्टिविटी बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिबेंचर का इशू किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड, इक्विटी को बायबैक किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस, ठीक है। दोनों अकाउंट से हमें ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मैं बस यही यही मैं चाह रहा हूं कि डेवलपमेंट्स हो आपके भेजे में, ये चीजें हो, जब क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये चीजें आनी चाहिए जो मैं अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं, कि यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, चलो अकाउंट बना लेंगे। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स आने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरेस्ट समझ, इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपका इस चीज के लिए कि नहीं? टेल मी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, बोलो 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 बोलो, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। डिविडेंड के बारे में कोई और बातचीत नहीं की गई है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड है वो, पेड की बात नहीं की गई है और कोई, ठीक है ना। तो बोलो 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 बोलो, वर्किंग नोट नंबर 3। तो मुझे बताओ डिविडेंड का क्या करोगे? डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, पिछले साल का 3, करंट ईयर का 4, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? डिविडेंड पेड इन करंट ईयर 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, कौन सी एक्टिविटी बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। दूसरा, डिविडेंड प्रोवाइडेड फॉर इन करंट ईयर थ्रू पी एंड एल, ऑब्वियसली आपने उसको पी एंड एल के थ्रू प्रोवाइड फॉर किया होगा, 4 लाख। तो क्या करोगे आप इसका, इसका क्या करोगे बेटा? इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक कर लोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक कर लोगे। इफ स्टार्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, होता है कि नहीं होता? इफ स्टार्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, अगर रिटेन्ड अर्निंग से स्टार्ट किया होगा तो हम इसको एड बैक कर लेंगे। बोलो बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा? यस, उसके बाद, उसके बाद और क्या बोल रहा है? चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹19,000 आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ 1,000। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट रिसीव किया 19,000 आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ 1,000। बेटा इंटरेस्ट ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, बट पी एंड एल में। अब मेरा सवाल ये है,
कि इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, 19,000 टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। तो आपकी ग्रॉस इनकम पीएनडीएल में कितनी गई होगी, पीएनडीएल में आपकी इनकम कितनी गई होगी? अगर आपको नहीं पता हो तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 19, टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ 1, टू इनकम 20, ऐसा होता है। तो पीएनडीएल में इनकम कितना गया होगा, 20,000। तो मुझे बताओ इस इंटरेस्ट का क्या करोगे, वर्किंग नोट 4, इंटरेस्ट का क्या करोगे, इंटरेस्ट इनकम 20,000 क्या करोगे बेटा, इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे। कोमल बोल रही है ऐड करेंगे बेटा, इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे। वाह बेटा वाह, कर लो बेज्जती हमारे पढ़ाने की, कर लो बेज्जती पढ़ाने की। हाँ ऐड करेंगे, रिया भी बोल रही ऐड करेंगे, जैसा कोमल बोली वैसा रिया बोली, दोनों सहेलियां होंगी पक्की बात है। दोनों सहेलियां होंगी। इंटरेस्ट इनकम क्या करेंगे, लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा 19,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा चलो और क्या और क्या और क्या, ये पॉइंट आते हैं। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन सच रिपेयर, डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन सच रिपेयर 5,000, डेप्रिसिएशन चार्ज इन पीएनडीएल 1,40,000, डेप्रिसिएशन चार्ज इन पीएनडीएल 1,40,000। बोलो बेटा आपको इन दोनों पॉइंट का क्या करोगे, सबसे पहले ये इन पॉइंट्स का क्या होगा, डेप्रिसिएशन रिपेयरिंग इसका क्या होगा। बेटा सबसे बेस्ट बात है आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लो। क्या हुआ, रिपेयर का खर्चा किया आपने 50,000 का, रॉन्गली डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, गलती से प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया, ठीक है ना, गलती से प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया, जबकि उसको हमें पीएनडीएल में डालना चाहिए था। ओ भाई पीएनडीएल में डालना चाहिए था, पीएनडीएल में डालना चाहिए था। अच्छा अब क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी में चला गया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग गया 5,000 का, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग गया 5,000 का। स्नेहा अग्रवाल, क्या सर पूरा चैप्टर कवर करते हैं, मैं समझा नहीं बेटा क्या बोल रही हो स्नेहा, तुम्हारी बात नहीं समझा मैं। चलो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी क्या करें, एक काम करें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना ले बेटे, देखो मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जो आंसर है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर करेक्टली मैच होगा कि नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने ये सवाल खुद बनाया है, मैंने ये सवाल खुद बनाया है तो मुझे नहीं हो पता कि ये मैच कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है ना। पर एटलीस्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये आपके कॉन्सेप्ट जरूर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी 12, 10:50 ओपनिंग 12 क्लोजिंग, बाय बैलेंस 12। हाँ जी क्या किया, सबसे पहले तो सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना 40,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 40,000। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, हुआ ये कि गलती से कहाँ गया,
जो रिपेयर का खर्चा किया था 50,000 का, वो गलती से पीएनडीएल में चला गया। गया तो सही ना, गया तो सही ना, तो चलो ठीक है, टू बैंक, ये आपका गलती से पीएनडीएल में चला गया 50,000, ये गलती से आपका पीएनडीएल में चला गया 50,000। अब जब पीएनडीएल में गया होगा तो कैपिटलाइज किया होगा, तो कैपिटलाइज की पोस्टिंग तो हुई होगी ना रिपेयरिंग वाले की, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग गया कितना 5,000 का, और ये 5,000 का डेप्रिसिएशन ओवरऑल पीएनडीएल में हमने कितना डाला है 140, तो ये 5,000 ऑफकोर्स हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये 5,000 140 का हिस्सा होगा, 5,000 140 का हिस्सा होगा। तो फिर से बात करूं, देखो भाई प्लांट एंड मशीनरी में तुमने डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में तुमने डेप्रिसिएशन सॉरी रिपेयर का खर्चा कैपिटलाइज कर दिया, तो कैपिटलाइज करने के लिए तुमने उसमें अकाउंट में डाला होगा ना, तो ये पोस्टिंग हुई होगी, ठीक है ना, अकाउंट में डाला होगा, ये पोस्टिंग हुई होगी। अच्छा 140 है, सॉरी आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। चलो आई बात समझ में कि नहीं, अगर मैं ये 50,000 कैपिटलाइज नहीं करता तो डेप्रिसिएशन कितना होता, बोलो डेप्रिसिएशन कितना होता, डेप्रिसिएशन 135 होता, डेप्रिसिएशन कितना होता 135, क्योंकि 50,000 को मैं पीएनडीएल में ले जाता। तो हम जब इसका करेक्शन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। पहले तो वापस से, मैंने गलती से 50,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी में बुक कर दिए, तो जो बुक किए तो वो गलती दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ ये पोस्टिंग की है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग गया, ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया। अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा यार ये गलती को अगर मुझे ठीक करना है, मुझे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो कायदे से 50,000 मेरा प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है ही नहीं, 50,000 मेरा प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है ही नहीं है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अलग से माइनस करना चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अलग से माइनस करना चाहिए 50,000, अलग से माइनस करना चाहिए 50,000, मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अलग से माइनस करना चाहिए 50,000, क्यों, क्योंकि ये 50,000 क्या, मेरा सवाल आपसे क्या है मैं बता रहा हूं, क्या 50,000 मेरे को मैंने पीएनडीएल में डाला है क्या सच्ची मुच्ची, मुझे बोलो क्या 50,000 को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है क्या, नहीं ना, इसका मतलब अगर मैं नेट प्रॉफिट से शुरू करूंगा तो मेरे नेट प्रॉफिट के अंदर रिपेयरिंग गया ही नहीं है, लेस हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, लेस हुआ ही नहीं है, पर लेस होना चाहिए था, और रिपेयरिंग का खर्चा मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रिपेयरिंग का खर्चा मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो अब मैं इसका करेक्शन कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 50,000 रुपए लेस कर दो, 50,000 रुपए लेस कर दो, क्योंकि आपका ये कैश आउटफ्लो है और ये ऑपरेटिंग नेचर का है। एक बात तो ये, डेप्रिसिएशन मेरे पीएनडीएल में कितना चला गया 140, जबकि होना कितना चाहिए था, जबकि होना कितना चाहिए था 135, अरे गया कितना है 140 गया ना, गलती से 140 गया, तो जितना गया 140 उतना ही हटाना पड़ेगा, बात खत्म। अरे भले गलती से 140 चला गया, जाना चाहिए था 135, गलती जो भी हुई है, जो भी अमाउंट हुआ है, गलती से 140 चला गया, होना चाहिए था 135, अब जो गलती 140 की हुई है उस 140 को ही निकालना पड़ेगा ना, मतलब मैं पीएनडीएल से कितना निकालूंगा 140, पीएनडीएल से कितना निकालूंगा 140, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि माइनस करेंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये क्या करेंगे ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझ रहे हो कि नहीं, ये माइनस करेंगे ये ऐड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। अभी मैं अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, रुक जाओ, अपन बाद में कंप्लीट कर लेंगे। सर रेक्टिफाई नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन को, एक बात बताओ डेप्रिसिएशन को रेक्टिफाई करने की नीड क्या है, तू पीएनडीएल बना रहा है, नहीं, डेप्रिसिएशन तेरा कैश फ्लो में आता है, नहीं, बल्कि कैश फ्लो से हटाया जाता है, कैश फ्लो बनाने के लिए पीएनडीएल में जो डेप्रिसिएशन डाला था उसको हटाया जाता है। पीएनडीएल में तूने जितना भी डेप्रिसिएशन डाला, सही डाला सही वाला हटाओ, गलत डाला गलत वाला हटाओ, अरे तू रेक्टिफाई करना चाहता है तो जाके पीएनडीएल को रेक्टिफाई करना, तू रेक्टिफाई करना चाहता है तो जाके पीएनडीएल को रेक्टिफाई कर, कैश फ्लो में वह डेप्रिसिएशन आना ही नहीं चाहिए तो डेप्रिसिएशन हटा दो,
गया कितना था पीएनएल में, 140, तो हटा दो 140। अगर मैं रेक्टिफाई कर भी देता, अगर मैं ये रिपेयरिंग एक्चुअल में पीएनएल में डाल भी देता, ठीक है ना, तो मेरा नेट प्रॉफिट वैसे भी 50,000 से लोअर होता। अब मैं 50,000 से लोअर कर रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? ठीक है, पर डेप्रिसिएशन मैंने 140 डाला होगा, 135 डाला होगा, 120 डाला होगा, 110, जितना भी डाला होगा मुझे पूरा ही निकालना है ना। अगर मैं 140 में से 135 निकाल लूंगा डेप्रिसिएशन, तो मैं 5,000 का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहा हूं, मतलब 5,000 के कैश फ्लो को मैं नॉन कैश आइटम को कैश फ्लो में रहने देता हूं। ये क्या गलती हुई, ये क्या गड़बड़ हुई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स एज अंडर, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी थे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स भी थे। तो एक काम करते हैं, आप मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स के पॉइंट बताओगे प्लीज, वर्किंग नोट 6। ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल क्लोजिंग टोटल ओपनिंग, चलो जल्दी बताओ, बैलेंस शीट फिगर बताओ ना। रे नहीं बताएंगे सर हम, आपको खुद ही लिख लो, 6, 20 और 5 लाख, 6, 20 और 5 लाख। एक्चुअल में इसमें से इन्वेस्टमेंट है और बाकी के डेटर्स हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स हैं और बाकी के डेटर्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 250 क्लोजिंग 2 ओपनिंग, 250 क्लोजिंग 2 ओपनिंग। तो अब बताओ 620 में से 250 गया, 370, 5 में से 2 गया, 3 लाख। अब आपको डेटर में क्या करना पड़ता है, आप जानते हो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 370 हो गया, मतलब करंट असेट बढ़ रही है, करंट असेट बढ़ेगी तो लेस करेंगे 70,000 से, जबकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 2 से 250 हो गया, 50,000 बढ़ रहा है, खरीदा होगा या देखते हैं क्या हुआ होगा। लैंड की बातें कर रहा है, हम देखेंगे लैंड पे ऊपर क्या हुआ है, लैंड की बातें कर रहा है तो लैंड का देख लेंगे। लैंड का एक बार देख ही लो, 450 से 370 माइनस करो, 80,000, 80,000 का लैंड कम हो रहा है। और कैपिटल रिजर्व में कितना गया बेटा, कैपिटल रिजर्व से कितना गया बेटा, 30 से 120 हो गया, 30 से 120 हो गया, मतलब 90। अरे वाह, 90 का प्रॉफिट कमाया, 90 का प्रॉफिट कमाया, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आ जाओ लैंड वाले पॉइंट पर आ जाओ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 7, कैपिटल रिजर्व क्लोजिंग कितना है, कैपिटल रिजर्व क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग क्लोजिंग 120 और ओपनिंग 30, कैपिटल रिजर्व क्लोजिंग 120 और कैपिटल रिजर्व ओपनिंग 30। तो इसका मतलब 90,000 क्या हुआ होगा, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल 90,000 क्या हुआ होगा, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल। इसके अलावा लैंड क्लोजिंग कितना है, लैंड क्लोजिंग कितना है, 350 और ओपनिंग 370 और ओपनिंग 450, लैंड क्लोजिंग 370, लैंड ओपनिंग 450। तो इसका मतलब 80,000 रिडक्शन इन बुक वैल्यू, 80,000 रिडक्शन इन बुक वैल्यू ड्यू टू सेल। तो अब मेरा सवाल यह है, देयरफोर फाइनल सेल्स प्रोसीड कितना हुआ होगा, चलो बताओ। लैंड को बेचने पर गेन हुआ 90,000 का और लैंड में बुक वैल्यू का रिडक्शन हुआ है 80,000 का,
तो मुझे बताओ फाइनल सेल प्रोसीड्स कितना हुआ होगा, सेल प्रोसीड्स ऑन लैंड, लैंड बेचने पर कितना इनफ्लो हुआ होगा? 80,000 से बुक वैल्यू गई, 90,000 से गेन हुआ, तो 80 प्लस 90, 170, 170। मेरा सवाल यह है 170 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 170 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 170 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? और इस 90 का क्या करेंगे? 90 का क्या करेंगे? डू नथिंग, डू नथिंग। 90 का क्या करेंगे? डू नथिंग, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या था? पीएनएल में नहीं गया था। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया समझा? चलो बेटा, इसने इन्वेस्टमेंट बता दिए ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट इसने बता दिए ओपनिंग क्लोजिंग, और कुछ बोला ही नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड है, ठीक है, बैड डेट है, और कुछ बोला ही नहीं है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट में जो बदलाव हुए हैं, अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स के बदलाव बताओ। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बदलाव हुआ है उसका क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बदलाव हुआ है वो क्या करेंगे? टेल मी। 2 लाख ओपनिंग था, 2.5 लाख क्लोजिंग हो गया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा, 50,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा, 50,000 परचेज्ड, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाईलाइट कर देते हैं जो जो जौन सी एक्टिविटी में मैंने किया है, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर देते हैं, 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 ये तो हाईलाइट कर ही दिया, कन्वर्जन नॉन कैश। चलो बेटा और क्या और बोलो। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 रुपए। ओ भाई 15,000 रुपए, ओ भाई क्या होगा बोलो? अरे यार, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बनाया था ना, इसका अकाउंट बना दो, इसका अकाउंट बना दो। जल्दबाजी का काम खतरे वाला, जल्दबाजी वाला काम खतरे वाला। वर्किंग नोट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। क्या करेंगे? ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 2,50, डिविडेंड रिसीव किया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव। ये मत कहना कि सर डिविडेंड रिसीव है तो इनकम होगी, इनकम आपके पीएनएल में गई। अरे पीएनएल में नहीं गई होगी, इन्वेस्टमेंट से लेस किया है। तो बताइए बताइए, 2,50 प्लस 15 माइनस 2, इसका मतलब परचेस कितना, इसका मतलब परचेस कितना, परचेस कितना, परचेस कितना? 65। इसका मतलब परचेस कितना? 65। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे।
पर सर जैसा हमने ऊपर किया था दोनों का डिफरेंस 2.50 और 2.50 उसमें भी आ रहा था सर, 50 इसमें भी आ रहा है, 65 ऐड करेंगे 15 लेस करेंगे, सर आंसर में तो बदलाव होता नहीं। हाँ ये बात सही बोल रहे हो, बट प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाता ना। अगर तुम ऐसा ही करते, मान लो तुम ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, तुम बोलते हाँ ठीक है ना यार, 2 का 2.5 हो गया, 50 बढ़ गया, तो 50 को तुम ऐड करते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैं बोल रहा हूँ नहीं, 65 को ऐड करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और 15,000 को लेस करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बोलो ठीक है, मतलब नेट इफेक्ट तो 15-50 का ही आ रहा है ना, 65 परचेज किया तो लेस होगा, मतलब मैं ऐड लेस शायद ऊपर नीचे बोल गया, 65,000 लेस होगा, 15,000 ऐड होगा, नेट आपका लेस 50 ही होगा, यहां पर भी आपका 50 ही हो रहा था। तो अगर तुम डिविडेंड वाली पॉइंट को इग्नोर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट करना नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट रिटर्न ऑफ 40,000, क्या करेंगे भैया इसका, क्या करेंगे इसका बताओ जल्दी। तब तक मैं चेक करूं कि जो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन नोट करवाया था इसमें कोई एडिशन पॉइंट तो नहीं आ गई ना। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं नहीं आई भाई। बोलो बैड डेट का क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम, वर्किंग नोट नंबर 9, बैड डेट्स राइट ऑफ इन P&L 40,000, ये क्या होगा, नॉन कैश, तो क्या करेंगे, एड बैक इन ऑपरेटिंग, ठीक है। सारे वर्किंग नोट बन गए, लास्ट में प्लांट एंड मशीनरी को क्लोज कर दो, चलो क्लोज करो। क्लोज करो, कितना आ रहा है, करो करो क्लोज करो। आई थिंक यहां पर परचेज आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज आ रहा है 2.40 का, प्लांट एंड मशीनरी परचेज आ रहा है 2.40 का, एक बार चेक करो। 140 प्लस 12 लाख माइनस 10.50 माइनस 50 माइनस, हाँ ये आ गया, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा। सर लैंड वाला पॉइंट बता दो, लैंड, लैंड कहाँ है, लैंड कहाँ है, लैंड वाला पॉइंट ये लो देख लो, लैंड वाला भाई सिंपल सा पॉइंट है, कैपिटल रिजर्व का क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस जो है वो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, क्वेश्चन का पहला एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है कि लैंड बेचने पर जो भी प्रॉफिट हुआ आपने कैपिटल रिजर्व में डाला, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है 90,000 का वो सेल करने पर हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अब लैंड का हमने देखा तो लैंड का और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो लैंड का जो भी डिफरेंस आ रहा है बुक वैल्यू में रिडक्शन, वो बुक वैल्यू रिडक्शन है, लैंड घट रही है 80,000 से, 80,000 बुक वैल्यू है, बेचा 90 के प्रॉफिट पे, तो 80,000 की असेट 90 के प्रॉफिट में बेचा तो 1.70 में सेल प्रोसीड हुआ होगा ऑफ कोर्स। चलो अब आगे क्या करना है, आगे तुम्हें ये सॉल्व करना है, क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम ये सॉल्व करोगे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इसमें पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चलो मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरुआत कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या रिटेन्ड अर्निंग, और जैसे भी करेंगे मुझे फिगर बताओ कहाँ कौन सा आया, बस मुझे शुरुआत बता दो,
सर जी इतना तो बनता है कि आप कम से कम इस क्वेश्चन को थोड़ी सी पहले खुद से सॉल्व करके देखें। पहले मुझे बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे? सर ऑफ कोर्स हम शुरुआत करेंगे रिटेन्ड अर्निंग से। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं दिए हुए, रिटेन्ड अर्निंग से शुरू करेंगे। और अगर रिटेन्ड अर्निंग से शुरू किया होगा, अच्छा एक चीज ना हमने गड़बड़ कर दी, एक छोटी सी चीज शायद हमने गड़बड़ कर दी है, एक छोटी सी चीज हमने गड़बड़ कर दी है बेटा। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम भूल गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व को भूल गए। पहले मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात कर लेता हूं, अभी मुझे बात याद आ गई। रिवैल्यूएशन रिजर्व किसके लिए हुआ होगा? या तो लैंड पे या तो प्लांट पे। अब लैंड तो वो बेच रहा है, लैंड तो वो बेच रहा है, और अगर रिवॉल्यूशन लैंड का हुआ होता तो लैंड की वैल्यू बढ़ती। ये रिवॉल्यूशन 2 लाख रुपए से है, ये रिवॉल्यूशन 2 लाख रुपए से है। अगर लैंड का रिवॉल्यूशन हुआ होता तो लैंड का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ा हुआ होता, लैंड का क्लोजिंग बैलेंस घटा हुआ है तो डेफिनेटली जो रिवॉल्यूशन है वो प्लांट का हुआ होगा। तो अभी छोटा सा एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे प्लांट को ठीक करना पड़ेगा, ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब इस अकाउंट में एक डिफरेंस आ रहा था 2,40 का, इस पूरे अकाउंट में 2,40 का डिफरेंस आ रहा था, वो किस चीज का होगा? पूरे अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा होगा 2,40 का, वो किस चीज का होगा? उसमें से 2 लाख रुपए रिवैल्यूएशन होगा, तो हमने यहां पर कर दिया 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख रुपए, और हम बोलेंगे इट इज अ नॉन कैश। अब आप बैलेंसिंग कर दो तो ये आ जाएगा 2 परचेजेस, मतलब ये आ जाएगा 2 बैंक, बेसिकली परचेज 40,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 40,000 है ये सिर्फ आपका लिया जाएगा लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस इतना सा फंडा है और कुछ नहीं। सर ये रिवॉल्यूशन आपने प्लांट एंड मशीनरी का क्यों माना, लैंड एंड बिल्डिंग का क्यों नहीं माना? सर क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की अल्टीमेटली क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग से बहुत कम है, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि लैंड का रिवॉल्यूशन हुआ हो। चलो अब मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग का क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग के लिए क्या क्या लेंगे? सर जी रिटेन्ड अर्निंग के लिए लेंगे एक तो पीएनएल का डिफरेंस, डिफरेंस इन पीएनएल और डिफरेंस इन जनरल रिजर्व। चलो बताओ हम यहां लिखेंगे डिफरेंस इन पीएनएल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व। बोलो ना बेटा कितना कितना डिफरेंस है, मतलब ये भी क्या मैं बोलूं? बोलो डिफरेंस इन पी एंडल कितना? सर आप ही बोल दो सर, तो ये 290 आ गया, ये रिटेन्ड अर्निंग आ गया 290। अब शुरुआत आपको करनी है बेटा, क्या मैं ये लेक्चर यहीं पर ओवर कर लूं और आप एक बार इसको ट्राई करोगे अभी के अभी घर पे बैठे ट्राई कर लो, कल सुबह आते साथ अपन इसकी बात करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मुझे यह भी नहीं पता कि इसका आंसर मैच होगा भी कि नहीं होगा, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि जितनी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना वो बातें आपको मेजर क्वेश्चंस में नहीं दिखेंगी, मेजरली वो बातें आपको क्वेश्चंस में नहीं दिखेंगी। तो अभी आप इस कैश फ्लो के क्वेश्चन को ट्राई करिए,
ठीक है ना। कैश फ्लो के क्वेश्चन को ट्राई करिए, कैश फ्लो के क्वेश्चन को जब तुम ट्राई करोगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूं ये स्टेप होनी चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, फिर एलिमिनेट करो नॉन कैश, एलिमिनेट करो नॉन ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करो, टैक्सेस वाला पॉइंट करो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम करो, एक सीक्वेंस बनाओ। ठीक है चलो, तो ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कल। गाइस अभी के लिए इतना ही, हम कल मुलाकात करेंगे, अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।